विधानसभा क्षेत्र दानीवाड़ा से वर्तमान विचारधारा को कुचल कर अपने काम के लिए भाजपा के झंडे उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने हैं। इसलिए ये जितने रेलवे के इस विरोध काम करने वाले जो लोग हैं, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपके विरोधी नहीं है, ये आपके अपने लोग है। आप इस प्रकार की भावना मत रखिए कि रेलवे का काम तो हो जाएगा लेकिन नाम किसी और का हो जाएगा। अरे नाम तो आपके पुरखों का होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का होगा। इसलिए इन जहरीली विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस समाज के लिए लड़िए, इस काम के लिए लड़िए। ये काम आपके लिए पलक पलक पावड़े बिछा कर ऐसा खड़ी रहती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक त्रुटि को ठीक करवाने के लिए, अरे आप अगर इस आंसू जी की मूर्ति को यहाँ चौराहे पर लगाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अरे त्रुटि ठीक करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तो किसी नए नामकरण के लिए तो क्या करना पड़ेगा? विचार कर सकते हो। लोग तो उस दिशा में दौड़ रहे हैं कि नया ब्रिज बना है, उस ब्रिज का नाम अपना नाम कैसे हो, इसके लिए प्रयास करें। लोग तो नई कोई चीजें क्रिएट होती है तो अपनी कौम का नाम लगाने के लिए मेहनत करती है, लेकिन अपनी समाज एक त्रुटि को ठीक करने के लिए भी इतना सड़कों पर आना पड़ रहा है। तमाम सारे प्रशासन भी यहाँ बैठा है। ये जो लोग आए हैं, ये मुट्ठी पर संकल्पित लोग है, ये समाज का नेतृत्व करने वाले लोग है। अब हमें लड़ाई नीचे से लड़ती है, ऊपर से नहीं। इसलिए आंदोलन को दिल्ली लगी नहीं जाना है, आंदोलन को रबारियों की ढाणियों और गांव 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 तक लेकर जाना है। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है और न नेताओं के पीछे भागने की जरूरत है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है। हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे, अपनी कौम को सिखाएंगे, छत्तीस कौम को जोड़ेंगे और इस निकम में रेल मंत्री का पुतला हर चौराहे पे जलाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि राय का कौम की ताकत क्या होती है। अभी तक हम लोग शांति प्रिय है, अभी तक शांति प्रिय ही संदेश दिया है। अरे जितने गांधीवादी है उतने उतने क्रांतिकारी भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं हम। आवश्यकता पड़ी तो शंकर शेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस बनते भी टाइम नहीं लगेगी। इस काम के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़ा तो कहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है।